Sir, every fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 8 जुलाई 2019 मंडे है, सुबह के 8 बज रहे हैं. फ्राइडे को बजट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी डाउनसाइड मूवमेंट निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दिया. तो जो बजट डिक्लेयर हुआ है वो काफ़ी पसंद नहीं आया इंडस्ट्री को, कॉरपोरेट्स को. जो पब्लिक शेयरिंग है लिस्टेड कंपनीज में वो 25% से 35% यानी ऑलमोस्ट 10% बढ़ाने का प्रस्ताव सेबी के सामने रखा गया. अभी सेबी इसे अप्रूव करता है तो ये प्रमोटर्स को अपना और 10% का स्टेक यहाँ पर मार्केट में बेचना पड़ेगा. बेचेंगे तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी. तो इससे थोड़ा जो इंडस्ट्री है वो नाखुश दिखाई दे रही है. और जो LTCG टैक्स था उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं गया, ना ही कम किया ना ही कैंसिल किया. तो उससे मद्देनजर अभी स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स देखे तो अभी भी यहाँ पर डाउन साइड मूवमेंट में ट्रेड कर रहे हैं. ये निफ्टी मिड कैप इंडेक्स यानी मिड कैप 100 का ये इंडेक्स है. ये हमें यहाँ से अभी दिखा रहा है कि ये कैसे कंसोलिडेशन फेज में है. ये डाउन साइड मूव आने के बाद लास्ट ईयर के बजट में यहाँ पर 2018 यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 2018 जनवरी से जो ये फॉल यहाँ से दिखा रहा है उसके बाद यहाँ पर ये हॉल्ट हुआ था और ये कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड हो रहा था कि अभी कुछ मिड कैप शेयर्स के लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है. स्मॉल कैप शेयर्स के लिए जो LTCG टैक्स है उसको कम किया जा सकता है या फिर कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कंटिन्यू रखा है. तो ये गवर्नमेंट का बजट है, इसके ऊपर अगर बात करना है तो और एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा. अभी देखें तो फिस्कल डेफिसिट काफ़ी मेंटेन किया जा रहा है. फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करने के लिए टैक्स जो है गवर्नमेंट को इनकम टैक्स थ्रू ही आता है, तो टैक्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया. इससे इंडस्ट्री को थोड़ा सा नुकसान पहुंच सकता है ग्रोथ के लिए, लेकिन ओवरऑल ये बजट का रिएक्शन है जो मार्केट दिखा रहा है. आफ्टर लॉन्ग टाइम में तो निफ्टी इंडेक्स या फिर बैंक निफ्टी को अपसाइड मूवमेंट ही दिखाना है, लेकिन अभी फिलहाल ये जो बजट आया है उसका ये रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है. तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. फ्राइडे अमेरिकी बाजार निगेटिव नोट के साथ ट्रेड कर रहे थे. 4 जुलाई को वहां पर छुट्टी थी, इंडिपेंडेंस डे था, तो उधर के बाजार बंद थे. यूरोपियन बाजार भी देखे तो कुछ खास फ्राइडे को वहां पर ट्रेडिंग नहीं देखने को मिला, निगेटिव नोट के साथ बंद हुए लाल निशान में. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट निगेटिव ट्रेड कर रहे हैं. यहाँ पर जापानीज मार्केट में 217 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है तो हांगकांग मार्केट में 535 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है. डाउ फ्यूचर देखे तो 41 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और SGX निफ्टी अभी 42 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड हो रहा है. तो काफी ग्लोबल बाजार से भी निगेटिव संकेत आ रहे हैं. चलते हैं निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं. मंथली चार्ट से जरा शुरू करेंगे. इस मंथ के फर्स्ट डे भी हमने मंथली चार्ट को एनालिसिस किया था. जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए एक बार फिर से मंथली चार्ट का एनालिसिस में हमने क्या कहा था ये हम एक बार रिवाइज करते हैं. इसे अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं और प्राइस एक्शन और RSI को देखूं तो यहाँ पर डाइवर्जन बियरिश डाइवर्जन दिखाई दे रहा है. ये प्राइस एक्शन में ऊपर यहाँ पर हायर हाइज बन रहे, प्रीवियस हाई के ऊपर ये हाई है और ये हाई प्रीवियस हाई के ऊपर है, तो यहाँ पर हायर हाइज बन रहा है. लेकिन नीचे RSI में देखे तो कंटिन्यूज यहाँ पर लोअर हाइज बन रहा है, यानी यहाँ पर बुल्स का स्ट्रेंथ नहीं है. भले ही प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन बुल्स का स्ट्रेंथ यहाँ पर नहीं दिखा रहा है. ये बियरिश डाइवर्जन है मंथली चार्ट में, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में. तो यहाँ पर RSI में भी हायर हाइज बनाना जरूरी है ताकि हमें और भी स्ट्रांग अपसाइड मूव यहाँ पर देखने को मिल सके निफ्टी इंडेक्स में. तो यहाँ पर बियरिश डाइवर्जेंस बन रहे निफ्टी के मंथली चार्ट में. चलते हैं वीकली चार्ट में. यह है वीकली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का. अगर आप हमें कई सारे दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर ये जो टॉप बनाया था निफ्टी इंडेक्स में उसके बाद ये जो करेक्शन आया था
उसके लिए हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था और इसने इस ये जो अपसाइड मूव का 50% का ये जो लेवल है अराउंड 11,605 ये ऑलमोस्ट अचीव किया और फिर से एक छोटा सा बाउंस बैक दिखाया था। अभी लास्ट वीक देखे तो ये कैंडलस्टिक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक जैसा दिखाई दे रहा है, ये ग्रेवस्टोन दोजी जैसा भी लगभग है। तो यहाँ पर ये दोजी पैटर्न है अभी, यानी इनडिसिसिव मूव यहाँ पर दिखा रहा है। उसके प्रीवियस वीक भी लगभग दोजी बन गया था, लेकिन ये जो तीन कंटिन्यूस निगेटिव कैंडल्स बने थे उसके बाद ये बुलिश कैंडल आया था और हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना था, यानी ये जो प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई है इसके ऊपर इसका हाई और लो बना था। तो यानी हायर हाई हायर लो का पैटर्न क्रिएट हुआ था। तो अगर हम इसे स्विंग लो पकड़ लेते तो आने वाले प्रोजेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ किया था ये ऐसे। तो यहाँ पर कुछ और लेवल्स मैं ऐड कर देता हूँ, 23.6, 38.2 और 50%। तो आप देख सकते हैं इसने ये जो 38.2% का ये जो 12,000 साइकोलॉजिकल बैरियर एक रेजिस्टेंस है उसी के पास बजट आने के बाद इसने कल फ्राइडे को रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से ये टुवर्ड साउथ की तरफ मूव होने लगा। अभी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो यहाँ पर ये शूटिंग स्टार जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि नेगेटिव साइन है। अभी इसको और कंफर्म करना है तो यहाँ पर अगर ये यहाँ पर और एक अगर ऐसा बियरिश कैंडल इस वीक बनता है तो ये डाउनसाइड मूव एक्सटेंड हो सकता है कहाँ तक, यहाँ ये जो 20 EMA है एज पर वीकली चार्ट अराउंड 11,550 के पास है ये। तो यहाँ तक हमें ये डाउनसाइड मूव आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। ये फर्स्ट इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस होगा, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं हम वीकली चार्ट उसके हिसाब से। तो ये अभी वीकली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं डेली चार्ट में। ये है डेली चार्ट, डेली चार्ट में हमने देखा था यहाँ पर ये 50 EMA को जबरदस्त इसने सपोर्ट टेस्ट किया था और ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बना था। तो डबल बॉटम फॉर्मेशन बनने के बाद इस नेक लाइन का ये ब्रेकआउट मिलने के बाद ये अपसाइड यहाँ से मूवमेंट हमें देखने को मिला था। लेकिन अभी जो कि फंडामेंटल रीजन है, बजट पेश हुआ है जो कि इंडस्ट्री को काफी नाखुश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर ये अभी 20 EMA के जस्ट नीचे क्लोज हुआ है, अगर हम इस लो और इस हाई को पकड़ के अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को अगर ड्रॉ करें, ये मैं इसे क्लोज कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छे से दिखे। तो आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट ये 50% का ये जो लेवल है 11,803, ये इसने अपसाइड मूवमेंट का इसने हाफ पोर्शन कवर कर दिया है। तो अभी इसका लो के नीचे और भी जाता है तो इमीडिएट सपोर्ट होगा 11,761 अराउंड 11,750। तो 11,750 मेजर सपोर्ट है, उसके नीचे ये फिर से जहां पर इसने अभी कुछ दिनों पहले जबरदस्त सपोर्ट टेस्ट किया था ये 50 EMA के पास फिर से एक बार सपोर्ट टेस्ट करता है। तो 11,727 ये इमीडिएट उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। अभी अपसाइड मूवमेंट यहाँ से अगर देखना है स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट तो इसे 11,981 यहाँ पर ये जो अभी स्विंग हाई बन गया तो इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर जब तक यहाँ ब्रेक नहीं करता निफ्टी इंडेक्स तो यहाँ से लॉन्ग जाना काफी रिस्की साबित हो सकता है। अभी इस लेवल को 11,981 को ब्रेक होने दीजिए, तब तक अपना लॉन्ग पोजीशन यहाँ से कैरी ना करें। अभी फिलहाल सपोर्ट यहाँ पर 50 EMA का है अराउंड 11,700, ये मेजर सपोर्ट है। ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर ये जो गैप क्रिएट हुआ था पास्ट में, ये जो हम गैप क्रिएट हुआ था यहाँ पर ये देख सकते हैं काफी बड़ा गैप था। तो इसका ये जो इनिशियल पॉइंट है 11,600 के पास है, ये उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। यहाँ पर अभी अगर सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक नहीं होता है तो निफ्टी इंडेक्स फिर से ये 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन है वहां तक हमें ये एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे सकता है। सो अभी फिलहाल बेयरिश सेंटिमेंट्स है, लॉन्ग जाने की अभी कोशिश ना करें। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं।
ये है 60 मिनट का चार्ट। अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो फ्राइडे का लो बना है इसको अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, यानी 11,798 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो ही हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,775, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। तो अभी यहाँ पर हो सकता है आज गैप डाउन ओपनिंग हो, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 11,775 इसको ब्रेक होने दीजिए, तभी इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,745। दो कंडीशंस होगी आज, अगर गैप डाउन ओपनिंग नहीं होता है और 11,798 को ब्रेक करता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तभी बाय शॉर्ट सेल करना है, और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है और 11,775 के नीचे सस्टेन करता है गैप डाउन ओपनिंग के बाद, तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,745। अगर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो काफी रिस्की होगा आज बाय ट्रेड करना इंट्राडे के लिए, तो अगर नॉर्थ साइड अगर ये मूव करता है तो ये जो लास्ट हाफ एन आवर का ये जो कैंडल है बियरिश कैंडल, इसका हाई ब्रेक होने दीजिए अराउंड 11,840 के पास है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट, ये जो ग्रे लाइन है 100 ईएमए का एज पर आर्ली चार्ट, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जो कि अराउंड 11,856 के पास है, और सेकेंड टारगेट होगा हमारा ये ब्लू लाइन जो कि 50 ईएमए का ये लाइन है, ठीक है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 11,875, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर देना, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।